ये करीब 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनको मिलना चाहिए मौका ताकि ये काम करें। व्यवहार की बात करें, कैसा जनता सेवा करते हैं, पब्लिक सेवा करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी कोई शिकायत नहीं सुनी हमने। ऑलरेडी ये इतने संपन्न हैं, इनको धन की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं। शिविर है, गली हैं, खंबे हैं, रोडें खराब है, लोग तंग हो रहे हैं। कमेटी में DNC नहीं मिलती, बुजुर्ग आदमी धक्के खाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे खड़े हो गए फिर चले जाते हैं, ये निकम्मा सौदा चल रहा है हमारे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। अभी अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो लगभग 3 महीने का समय है, लेकिन अगर हिसार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली और लोगों के बीच में पहुँच कर उनका हालचाल जान रहे हैं, और कुछ प्रत्याशी तो व्यापारियों के बीच में भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि व्यापारियों से फिरौती मांगने जैसी घटनाएँ या फिर व्यापारी संस्थानों के बाहर जो गोलीबारी करके जो बदमाश भाग जाते थे, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के मन में एक डर का माहौल था। एक अननोन कॉल उठाने से पहले भी व्यापारी घबराते थे, तो जो व्यापारी वर्ग है उसके मन में एक सवाल हुआ कि क्यों ना इस बार जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसे बदलने की बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसको बदलने की बातें निकल कर आ रही। तो यहाँ पर फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के बस स्टैंड के सामने, जो ये मार्केट है यहाँ पर कुछ व्यापारी है जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मत है। बहुत जी नमस्कार। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अगर पिछले दिनों व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के संस्थानों के बाहर गोलीबारी चली गई और उसके बाद फिर होते हुए कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग डरा हुआ है, इस बात पे कितने सच्चाई है? अब व्यापारी है कि भाई गवर्नमेंट जो है उनको पकड़े, जो नजायज काम करते हैं, बच्चे जो घूमते हैं वो उनको पकड़े। और तो कहीं ना कहीं मन में डर का माहौल है। डर का तो कोई ऐसी डर की तो कोई माहौल पुलिस की मिली भगत होती है, जिससे कि जो भी एनकाउंटर करते हैं, फलाना करते हैं, दिखना करते हैं, पुलिस को सब पता होता है कौन सा गैंग है, उसको पकड़ नहीं पाते ये, इसलिए व्यापारियों से लूट खसूट होती है और उनको छोड़ दी जाती है ये। अगर बात करें पिछले 9.5-10 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है और कुछ जो प्रत्याशी हैं हिसार लोक विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो अभी तक कौन कौन आप लोगों से मिलने के लिए पहुंचे? अभी कोई भी नहीं आया हमारे पास। कोई नहीं आया। अभी गोयल साहब इस बाजार में घूम रहे थे। हाँ जी, बस अभी आए हैं, बस वो अभी आए हैं, बस हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया जी, बस यही बात। अगर व्यवहार की बात करें, कैसा जनता सेवा करते हैं, पब्लिक सेवा करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी कोई शिकायत नहीं सुनी हमने। विदेशों में रहकर व्यापार करके आए हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है और कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कंपैरेटिवली काफ़ी डाउन है, तो वो कहते हैं कि मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं अपने जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं विदेशों की तरफ पर लेकर जाऊँगा, तो विश्वास कर सकते? पब्लिक को इनको विश्वास दिलाना चाहिए, जितवाना चाहिए उससे कि फॉरन सर इंडिया से कोई कंसर्न नहीं होता उसका, उनका क्या व्यापार है क्या नहीं है, यहाँ जनता की सेवा करते हैं, ये पब्लिक सेवा है उनकी, अच्छे आदमी हैं। अगर बात करें बिना किसी पावर के अगर वो इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, तो जब वो पावर में आएंगे तो कितने समाज सेवा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास जताना चाहिए। विश्वास तो जताना चाहिए पब्लिक को, उनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, सिर्फ एक संगठन है, ये तो संगठन के मुताबिक नए आदमी चुनेंगे तो नए आदमी को बनाना चाहिए इनको। तिलक बाजार के एक और व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी राम राम। राम राम जी। अशोक गोयल मंगाली वाला अब जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक व्यापारी वर्ग पीछे जो भी हालात बने हमारे हिसार शहर में उससे डरा हुआ था, तो व्यापारियों के बीच में कहीं ना कहीं पहुँच रहे हैं, विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी करते हुए आ रहे हैं, तो अगर बात करें अशोक गोयल मंगाली वाला की, अगर उन्हें पावर मिलती है तो क्या वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? ये समय बताएगा जनाब, जितने भी पहले MLA बने हैं जी, किसी ने काम किया किसी ने नहीं किया जी, यही है इनकी हिसाब लगा के चल रहे हैं हम कि ये करीब 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनको मिलना चाहिए मौका ताकि ये काम करें। नहीं, एक बात और भी है ना, ये बिना पावर के रह के इतनी सारी समाज सेवा कर रहे हैं अभी मौजूदा दिनों में, और जब ये पावर में आएंगे तो क्या हमारे देश की और दिशा और दशा नहीं बदल जाएगी? पावर तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है,
इस फैक्टर के बगैर कोई भी सेवा नहीं कर सकता समाज की। कहीं ना कहीं पावर में पावर के मेन फैक्टर पावर है, चाहे कोई हो, कोई भी निर्दलीय MLA इतना काम नहीं कर सकता जितना एक सत्ता दल का आदमी काम कर सकता है। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि कोई भी नेता अगर पावर में आता है तो वो अपना घर भरता है, कहीं ना कहीं कमाने के लिए आता है। हालांकि अशोक गोयल मंगाली वाला की बात करें तो वो हर तरीके से सक्षम है, संपन्न है, हर तरीके से संपन्न है। उनका उद्देश्य भी यही कि मैं लेने नहीं, मैं देने। अगर ऐसा है भगवान की दया से वो कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद हमें भी है कि वो काम करें। तो व्यापारियों से तो हम लोगों ने बात कर ली, अब गोयल साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। गोयल साहब, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार साहब। विदेशों में रहे हो, 7-स्टार कैटेगरी की लाइफस्टाइल आपका रहा है, पसीने पसीने हो रखे हो, क्या ज़रूरत है आपको? जरूरत नहीं है, जरूरत है सेवा की, मेरे अपनों का सपना पूरा करने के लिए। ये पसीना कुछ नहीं है, मैं तो तन और मन और धन और मेरा खून भी बहा दूंगा मेरे अपनों के लिए। बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है डोर टू डोर जाकर, लोगों से जो दूरियां थी नज़दीकी होगी। किसी भी बंदे ने, किसी भी मेरे अपने ने ये नहीं कहा मैं नहीं जानता, बचपन याद आ गया, बचपन में इन्हीं गलियों में खेला करते, इकट्ठे थे, कोई दादा का जानकार है, कोई मेरे बाबूजी का जानकार है, कोई मेरा जानकार है, खूब आनंद मंगल। कहीं ना कहीं एक बात निकल कर हमेशा ही आती है जब भी अशोक गोयल मंगाली वाला का नाम लिया जाता है कि ये बिना पावर में रहकर अगर इतनी समाज सेवा कर सकते हैं तो जब पावर में आएंगे तो क्या दिशा और दशा रहेगी हमारे हिसार शहर की? तो ऐसी कौन सी आपकी जो माइंड सेट है या ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर आप सबसे पहले काम करेंगे? ये सेवा, समाज सेवा, ये पुरखों ने मुझे विरासत में दी है। मेरा परदादा भी हिसार की सेवा करता था, मेरा दादा भी, मेरे बाबूजी भी, और भगवान ने हमें भी उसी परिवार में पैदा कर सेवा का मौका दे दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने का आशीर्वाद मेरे गुरुदेव ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद ने दिया, और उसी बेस पर रानी सती दादी का भी आशीर्वाद है। हम हिसार की सेवा करने आए हैं, लोगों ने अपना लिया है, लोगों ने दिल में बिठा लिया है, लोग मुझे इस बार अपना सेवादार बनाएंगे, उनका सपनों का सौदागर मैं बनूंगा। जब आपके गुरुदेव गुरुवानंद जी ने आपको निर्देश दिया कि आप अपने जो है जन्म क्षेत्र को ही कर्म क्षेत्र बनाइए, उसके बाद आपने समाज सेवा के न जाने कितने ही काम किए। उसके बाद अगर बात करें, चाहे आपकी माता जी के नाम पे जो हॉस्पिटल चल रहा है, चैरिटेबल हॉस्पिटल की अगर बात करें, उसके अलावा गरीब कन्याओं की बात करें, ज़रूरतमंदों को राशन देने की बात करें, तो आप ऑलरेडी जो है समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में जाने का जो आपने डिसीजन लिया वो क्यों लिया? ये जो मेरे अपने हैं जिनकी सेवा मैं चाहता हूँ, जिस सेवा के लिए मैं आया हूँ, मेरे अपने उससे वंचित हैं। आज तक मेरे अपनों का शोषण हुआ है, जो आज तक सेवादार बने हैं उनका कोई मिशन और विज़न नहीं था। आज तक हिसार मेरा परेशान है, कोई विकास नहीं है। मैं 40 साल विदेश में रहकर हिसार का विकास करने आया हूँ, हिसार का ग्रीन सिटी बनाने आया हूँ, जीरो क्राइम करने आया हूँ। लोगों ने मेरे इसी विचार से, मेरे दादा की सेवा से, मेरे पारिवारिक सेवा से, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनाया कि जब वो सेवा कर सकता है तो हिसार के विकास की सेवा भी यही कर सकता है। लोगों को आज मेरे पास पूरा का पूरा भरोसा है, मैं भरोसा टूटने नहीं दूंगा, मैं इनका सपना पार करूंगा, सपनों का सौदागर बनकर इनकी सेवा करूँ। आप अपने पब्लिक मीटिंग्स में ना अक्सर एक बात कहते हैं कि मेरे जो दरवाजे हैं ड्राइंग रूम तक खुले हैं 2400 घंटे, सत्ता में आने के बाद कहीं पलट तो नहीं जाएंगे? क्यों पलट जाऊंगा? मैं थूक के चाटते नहीं आया, मैं कोई पैसा कमाने नहीं आया, मैं शोहरत बनाने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। आप मीडिया हो, जाना मेरे कभी भी बंगले पे, मेरी कुटिया पे जाना, ना चौकीदार मिलेगा, ना कुत्ता मिलेगा, मेरे बेडरूम तक दरवाजे खुले मिलेंगे। रात को 2 बजे बेल बजा के देखिए, मैं खुद नीचे आऊँगा, मेरा PN नहीं आएगा, मैं आऊँगा। जैसा मेरे से बनता हुआ फ़ोन करना है, चलना है, मैं उनकी सेवा करूँगा। आज भी कर रहा हूँ और कल भी करूँगा, कभी भी उनको वंचित नहीं रहने दूँगा, उनको मायूस नहीं होने दूँगा सेवा में। आपसे जानना चाहूँगा कि गोयल साहब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पर हर तरीके से सक्षम है। हम देखते हैं अक्सर कि जब भी कोई नेता या राजनेता जब पावर में आता है तो वो अपने घर भरने का काम करता है, तो अशोक गोयल साहब जो हैं अगर इन्हें मौका मिलता है पावर में आता है तो ऐसी कोई समस्या इनके साथ रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये इतने संपन्न हैं, इनको धन की ज़रूरत नहीं है।
ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं। शिविर है, गली हैं, खंबे हैं, रोडें खराब है, लोग तंग हो रहे हैं। कमेटी में डीएनसी नहीं मिलती, बुजुर्ग आदमी धक्के खाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे खड़े हो गए फिर चले जाते हैं। ये निकम्मा सौदा चल रहा है। हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, कोई काम करते ही नहीं किसी का। तो गोयल साहब, जब से मैदान में है, उम्मीद की कोई किरण जगी? बहुत जगी है, बहुत लोगों को आश्वासन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत लोग अच्छे से मान सम्मान दे रहे हैं। हम भी ये उम्मीद करते हैं लोग हमारा साथ दें, हम आगे बढ़े, काम करें। ये यार देखिए, आपसे जानना चाहूँगा कि राजनेता जो है कहीं ना कहीं अपना रंग बदल लेते हैं, गोयल साहब के साथ ऐसा तो नहीं होगा? देखो, गोयल साहब के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जब विदेश से आए हैं, 14-15 देशों में इनका मतलब वो चल रहा है, उद्योगपति हैं और इनका पूरा उद्योग, पूरी फैक्ट्रीज चल रही हैं 14-15 देशों में। और गुरु का आदेश हुआ, बाबू तू जा अपनी धरती का भला कर, अपने बच्चों का तो भला आपने काफ़ी कर लिया, तो उस आदेश को मान करके ये यहाँ चले आए हैं। और गुरु का आदेश, माँ का आदेश, पिता का आदेश मानने वाले बहुत ही कम रह गए, और उनके आदेश के अनुसार चल करके न यहाँ आए हैं ये, और उसी आदेश का पालन करते हुए ये यहाँ पर सत्कर्म करते रहेंगे। क्योंकि कहा भी है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इन्होंने बोला है कि भी जननी माँ का और जन्मभूमि का महत्व तो स्वर्ग से भी बढ़ करके होता है। तो अगर मैंने खाना ही होता तो मैं वहीं रहता, मैं तो सारी चीज़ें त्याग करके अपने बच्चों को, अपनी मिसिज को, अपने पोतों को त्याग करके आया हूँ। मेरे पसीना तक वहाँ नहीं आता था, और यहाँ आ करके मैं पसीनों में तर बतर रहता हुआ, जिससे कि एक पावर आ जाए और लोगों का मैं भला कर सकूँ। क्योंकि बिना पावर के आज कलयुग के अंदर भला करना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई राजनेता बिना सत्ता में रहकर इतनी समाज सेवा कर रहा है, तो जब वो पावर में आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे शहर की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई राजनीति की भूख रखता है तो उसके मन में ये होता है कि मुझे पैसा कमाना है, धन दौलत कमानी है, कहीं ना कहीं अपने बच्चों के नाम पर, अपने परिवार के नाम पे टेंडर लेते हैं, टेंडर खोलते हैं, और ना जाने हर तरीके से जो है हर हथकंडे अपनाते हैं कि वो किसी भी तरीके से पैसा कमाए। लेकिन अशोक गोयल मंगालिया वाला की अगर बात करें तो इससे उलट वो विदेशों में रहकर जो है अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में प्रॉपर तरीके से सेटल्ड हैं, एक बहुत अच्छी जो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी है, एक बहुत बड़े उद्योगपति वो फिलहाल मौके पर है, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम भी शुमार। तो कहीं ना कहीं ये बात हम मान सकते हैं कि पैसे का लालच तो अशोक गोयल मंगाली वाले को नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक मौका मांग रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं आपके शहर हिसार की दिशा और दशा बदलने का काम करूंगा। आप अशोक गोयल मंगाली वाले को जानते हैं या इनके द्वारा चलाए गए जितने भी समाज सेवा के काम हैं उनके बारे में जानते, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट के अंदर जो है शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करके आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।